शनिवार रात को मालदीव से एक ऐसी खबर सामने आई जिससे पूरी दुनिया में मानो तहलका मच गया, सनसनी मच गई। भारत समेत हर देश की निगाह सिर्फ मालदीव पर टिक गई। आखिर ये हुआ कैसे, किसने किया, कौन है इसके पीछे, किसकी साजिश है ये? वह यूं क्या अचानक से मालदीव के राष्ट्रपति की वेबसाइट ठप पड़ गई? मालदीव के विदेश मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइटों ने भी काम करना बंद कर दिया। हालांकि कई घंटों तक ठप रहने के बाद मालदीव की टॉप सरकारी वेबसाइट बहाल कर दी गई। जैसे ही सरकारी वेबसाइटों को तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा, वैसे ही मालदीव के राष्ट्रपति के कार्यालय ने आधिकारिक वेबसाइटों में भी आ रही दिक्कतों की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दी। जानकारी मिलते ही जांच एजेंसियां वेबसाइटों को दुरुस्त करने में जुट गई। काफी मशक्कत के बाद वेबसाइटों को फिर से बहाल तो कर दिया गया, लेकिन वजह का अब तक पता नहीं चल पाया। शुरुआत में कहा जा रहा था कि अप्रत्याशित तकनीकी प्रावधान के कारण ये हुआ। फिलहाल जांच एजेंसियां वजह तलाशने में जुटी हैं। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र और अन्य संबंधित संस्थाएं सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर किस खामी की वजह से मालदीव के राष्ट्रपति तक की वेबसाइट ठप पड़ गई। बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद से भारत और लक्षद्वीप सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा था।